अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने इस वीक मेपल लीफ सीमेंट कंपनी को अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। बुनियादी तौर पर स्टॉक को हाईलाइट करने की वजह उसका रीसेंट रिज़ल्ट और रीसेंट कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर रीसेंट रिज़ल्ट की बात करें तो 9 महीने में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5 अरब रुपये से ज़ायद है और तकरीबन 50 अरब रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया जो कि 8% सालाना बुनियादों पे जायद है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मार्जिन्स भी जो हैं वो 33.32% के ऊपर जो है वो मेंटेन किए। हम समझते हैं कि डिस्पाइट जो कॉस्ट के रिसेंट प्रेशर्स से कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा देखने को मिलता है, फाइनेंशियल चार्जेस में भी इजाफा देखने को मिलता है, बट बिकॉज बॉटम लाइन जो है वो कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, जो मेपल की जो एक सोलर कंपनी है वहाँ से भी जो प्रॉफिट्स हैं वो फ़िलहाल जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं, तो बॉटम लाइन काफ़ी अच्छी रहती है। तो यही वजह है कि मेपल का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। आगे जाके कंपनी मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, हेल्थ केयर बिजनेस में भी गए हैं, पाइनर सीमेंट में भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इसके अलावा एग्रीटेक में भी कंपनी ने अपना स्टेक बाय किया है। हम समझते हैं कि आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो सेक्टर के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले अगर जिक्र करें तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी में कमी का ऐलान किया। 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी हुई जो कि अब 20.50% पे आ गया है। हम समझते हैं कि ये चीज़ सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा हालिया बजट में 1500 अरब रुपये का PSGP की जो है वो एलोकेशन हुई है, ये भी सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है कि आगे जाके डिमांड की जनरेशन होगी। हम समझते हैं कि IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान विज़िट करेगी और एक लॉन्गर टेनर IMF के प्रोग्राम के एग्रीमेंट के बाद मुल्क में जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टॉक्स की री रेटिंग होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी की भी जो है वो अच्छी रेटिंग होगी, जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक मज़ीद बेहतर हो जाएगा। यही वजह है कि सीमेंट सेक्टर में हमारा जो स्टांस है वो बुलिश है और हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में साइक्लिकल सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, हम समझते हैं कि 4-5% इंटरेस्ट में कमी होगी और वो सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। यही वजह है कि मेपल लीफ को हमने अपने वीकली सेल्स आइडिया में हाईलाइट किया है। ये था हमारा इस वीक का सेल्स आइडिया ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में भी रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।